कृष्ण राम जी, आप अधिवक्ता हैं, क्या इस तरीके की रासु का जो लगाई गई है ये आपके दायरे में कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये तो राजनीति से प्रेरित है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इसमें कहीं भी राष्ट्र का कोई भी तथ्य ऐसा नहीं बनता है। ये मैं अधिवक्ता के रूप में भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। यदि अगर इसको नहीं माना जाता, आपकी बातों को नहीं माना जाता, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मैं इसको रिवीजन कराऊंगा, हाई कोर्ट में ही कहूंगा कि भाई ये ऐसे सरकार को निर्देश दे, इसका परीक्षण हाई कोर्ट अपने स्तर से करे। और ऐसा थोड़ा ना सरकार कोई भी अगर जास्ती करेगी, संविधान और सरकार मानव मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। ये मानवीय मूल्यों का और हमारे राइट का, अभी ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के आधार पर उसको रोस्टर लगा दिया जाए। ये इसका विरोध हम लोग करते हैं और सरकार को इसको चेतावनी देते हैं कि ये जो सोई है, जो किसी गलत फहमी में आवाज़ को, ये आपको बता दूं कि पूरे देश में इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जनाधार हिल चुका है, तो वो अब जो है कि शोषण के विरुद्ध लोगों को दबाने की आवाज़ को दबाने का कार्यक्रम कर रही है। इसका परिणाम आपके माध्यम से बताना गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार हार गई, बीजेपी कतई सरकार नहीं बना पाएगी, और गुजरात में उसकी जो 15 वर्षों से सरकार चल रही है वो हार रही, पूरी तरह से हार रही है। आपको इसी बात का अंदाजा कि जो मोदी बैठ के वो जीतते थे वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। ये घर घर जाके वोट मांगने का ये प्रमाण है। आदरणीय आपके माध्यम से मैं मनोज भाई साहब बताना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। दलित आंदोलन इसमें पूरे देश में एक छत्र एक संगठन के तहत आना चाह रहे हैं। अगला 2019 में बीजेपी सरकार कभी ना आने वाले परिणाम को देखेगी।